सुशांत सिंह राजपूत की हैंडराइटिंग से कई खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ वक्त पहले रिया चक्रवर्ती ने ग्रैटिट्यूड लिस्ट शेयर की थी, लेकिन उस ग्रैटिट्यूड लिस्ट को लेकर फैंस ने काफी सवाल उठाए थे और अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस बारे में, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स का, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि राइटिंग एक्सपर्ट्स, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने एक पोस्ट शेयर किया था, कुछ फोटोज शेयर की थी जहां पर सुशांत की ग्रैटिट्यूड लिस्ट उन्होंने दिखाई थी, जिसका कोई सबूत नहीं है कि क्या ये सुशांत ने ही लिखा है, और ये भी सबूत नहीं है इस बात का कि ये कब की लिस्ट है। ऐसे में उस लिस्ट में लिखा हुआ था आई एम ग्रेटफुल फॉर रिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर शौविक, इस तरीके से सबके पेट नेम्स के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं फैंस ने इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लिया, और फैंस ने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि जिस तरीके से जी जितनी बार भी ग्रैटिट्यूड लिखा है, हर बार कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं, आई और एम सिमिलर नहीं लग रहे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपकी खुद की हैंडराइटिंग है, अगर आप खुद लिख रहे हैं, तो आप पहली बार में जैसे लिख रहे हैं एम, सेकंड बार भी आप एम वैसे ही लिखेंगे। बट फैंस का और यहाँ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जितनी भी बार स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, हर बार जो टिपिकल लेटर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में आई अलग तरीके से लिखा है, तो लास्ट स्टेटमेंट में आई अलग तरीके से लिखा है। एंड ये तभी हो सकता है जब आप किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल। सो कहीं ना कहीं टाइम्स की रिपोर्ट में जो राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि ये डेफिनेटली एक फेक ग्रैटिट्यूड लिस्ट है, जिस किसी ने भी लिखा है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश की है। सो एज अ व्यूअर, आपकी क्या कुछ राय है इस चीज़ पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।